हर्षिल और यमुनोत्री से आते हुए कल रात हो गई थी, देर में चले, अचानक यमुनोत्री का प्रोग्राम बना तो रास्ते में डुंडा सैनी एक जगह है, डुंडा सैनी में हम रुके होटल में, और यहाँ पे इस ढाबे पे आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने। यह हरियाणा वालों का ढाबा है, सुबह चाय भी यहाँ से ली थी क्योंकि होटल वगैरह में कोई उठा हुआ नहीं था और हमें आर्ली चढ़ना था। तो आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री, यहाँ पर से जो उत्तरकाशी है 15 किलोमीटर दूर है। आप पीछे रोड देख सकते हैं, ये जो जा रही है गंगोत्री हर्षिल को जा रही है, और आगे जो रोड जा रही है धरासू बैंड की तरफ जा रही है, और यहाँ से जो यमुनोत्री है वो है 100 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, खाने पीने का पूरा अच्छा इंतजाम है, रहने का भी अच्छा इंतजाम है, आप रात बिता सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, लोग काफ़ी शांत और अच्छे लग रहे हैं। तो आगे देखिएगा कि किस तरीके से यमुनोत्री टूर का हम मजा लेते हैं और आप हमारे साथ इस टूर का मजा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। चटनी बन रही है पराठे के साथ, वो देखिए ब्रेकफास्ट में पराठा है डुंडा सैनी में। ये जो पराठा है ये है पनीर और आलू का। ये आ गया है धरासू बैंड, यहाँ से राइट हैंड साइड को रास्ता जाएगा यमुनोत्री के लिए। से भी अभी बड़कोट 14-15 किलोमीटर दूर है, और बड़कोट से जहाँ लोग जा रहे हैं वो अभी पता लग जाएगा। रोड तो की हालत इतनी खराब, एक तो सिंगल रोड है ऊपर से टूटी हुई है, पूरी रोड हो रखी है। ये दोपट्टा है, दोपट्टा पहुंच गए हम, दोपट्टा से ये देखिए, ये तो देहरादून को चले गए विकास नगर पढ़ने में आए, और यहाँ से जो है आपका यमुनोत्री के लिए रास्ता ये गया, और ये वाला जो रास्ता ऊपर वाले रास्ते से हम आए जो आपका यहाँ पर से जो यमुनोत्री है वो 42 किलोमीटर। जानकी चट्टी यहाँ से 42 होगा, 42 किलोमीटर। जानकी चट्टी 42 किलोमीटर होगा यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ जानकी चट्टी यहाँ से 42 किलोमीटर होगा। तो जानकी चट्टी यहाँ से 42 किलोमीटर है, वो इधर ही को आ रहे हैं जिनसे मैं पूछ रहा था, मैं बोल रहा हूँ जानकी चट्टी यहाँ से 42 किलोमीटर होगा, 42 किलोमीटर होगा जानकी चट्टी यहाँ से। ये है, चलते हैं अब जानकी चट्टी। कहीं कहीं पर रोड इस तरीके की है, सयाना चट्टी से कुछ पहले का दृश्य है। गाड़ी है 10 किलोमीटर की स्पीड,
चला पाऊंगा नहीं इसको, चला ढाई बज रहा है और हम यमुनोत्री पहुंच गए हैं। जाना पैदल है इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कल चलना शुरू करेंगे। होटल ले लिया है, होटल का नाम है होटल मंदाकिनी। बिल्कुल जहां से ट्रैक शुरू होता है, मैं दिखाता हूं आपको, वहीं पे ये होटल है। ऊपर स्नोफॉल हो रहा है इसलिए हम सुबह निकलेंगे, अभी नहीं। ये है होटल मंदाकिनी, इसके पास पार्किंग वगैरह भी है, आप चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये ट्रैक है, खच्चर भी खड़े हुए हैं, हम तो बिना खच्चरों के चलेंगे ट्रैक करके। 5 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से। ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको कि कितनी बर्फ गिर रही है। ये देखिए फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, अभी हम नहीं चढ़ेंगे क्योंकि पहाड़ में ऐसा है कि 1 किलोमीटर मीन्स 1 घंटा ट्रैकिंग का। तो सुबह निकलेंगे यहाँ से 5:30 बजे। और ये है होटल, इसकी ये पार्किंग है, आप चाहें तो यहाँ कभी आए तो यहाँ रुक सकते हैं। और ये है चौहान जी, चौहान हमारे साथ कल चलेंगे, ये पोर्टर रहेंगे हमारे, सुबह 5:30 बजे चलेंगे चौहान। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो ये है, अब खाना वाना खाते हैं। हमें 2.5 घंटा, हम 10:30 बजे लगभग डुंडा सैनी से चले थे 10:30 बजे, 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 4 घंटे लग गए हमें जानकी चट्टी पहुंचने में। तो ये सब जानकी चट्टी है। ये चौहान, ये कौन सा है, ये बंदर पूछे, ये है माँ यमुना जी का मंदिर। नहीं, ये है माला संगा सुत्रा। माला, माला संगा सुत्रा, माला संगा, हाँ, सूट ऑफ, माला संगा सूट ऑफ। इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी 3000 मीटर। नहीं, 3000 फुट कहाँ होगी यार? जी जी, बहुत गहरा सर। 3000 तो बहुत कम हुआ। ये जानकी चट्टी है, यमुना जी बह रही हैं, जानकी चट्टी की मार्केट है ये। इस तरीके से दुकानें हैं गर्म कपड़ों की। जियाड़ा, जियाड़ा क्लिनिक भी है। चलो, क्लिनिक वगैरह की फैसिलिटी है दूर दराज के इलाकों में, ये बहुत बढ़िया बात है। और गर्म कपड़ों के आपको दुकानें मिल जाएंगी, ग्लव्स लेके आना भूल गए हैं आप, जैकेट, सॉक्स, ये वगैरह तो वो उपलब्ध हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे ये गर्म कपड़ों की दुकान है। Thank you.
हवा चल रही है और ऊपर गिरी हुई है, बर्फ गिर रही है इस वक्त। यहाँ पे भी बारिश के छींटे हो रहे हैं, साफ सफाई इतनी है नहीं। धामों में हमारे साफ सफाई होनी चाहिए यार, लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये इसको नेपाली रोटी बोल रहे हैं। हाँ, क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें दूध, केला और सूजी चावल का आटा और चीनी। और चीनी, अच्छा अच्छा। हमारे वहाँ इसको ना दीपावली में मनाया जाता है और सिंगल बोलते हैं। अच्छा सर, सेम ऐसा ही होता है? हाँ सेम ऐसे ही बिल्कुल। कहाँ पर था सर? हमारा अल्मोड़ा, नैनीताल। अच्छा सर, कुमाऊँ में ना। आप नेपाली रोटी कह रहे हैं इसको? नेपाली बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आज दशहरा है तो इसलिए बना रहे हैं। ओके, ये दशहरा इसी बार ऐसे में ही बनता होगा ना? इसी बार ये हर हमेशा नहीं बनता होगा, पर यहाँ तो हम हमेशा बना रहे हैं। हमेशा बनाते हैं पर लेकिन दशहरे में बनता है। हाँ हाँ, हमारे वहाँ दीपावली के दिन बनता है। वाह, ये सिंगल देखिए इनने, इसको नेपाली रोटी बोल रहे हैं। बहुत टेस्टी होता है ये। एक नेपाली रोटी की कीमत कितनी है? 10 रुपये दे दीजिए एक। बताऊँ कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला अच्छा रहेगा सिका हुआ? ये वाला सही रहेगा ना, ये वाला दे दीजिए। एक हमने नेपाली रोटी ले ली है। वाह, ये लो भाई। थैंक यू। ये तो बड़ा चौपल लग रहा है मुझे। छोटा ही है चॉपर, सिंगल इंजन चॉपर है ये भी। ये रिस्की चॉपर्स हैं यहाँ जितने भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान देना चाहिए। और इधर अपना ये वाला होटल है जानकी चट्टी। ठंडा काफ़ी है यहाँ पे, आप जब भी आए हैं तो अच्छे कपड़े पहन के लेके आए, इनर्स वगैरह, अच्छी स्वेटर्स, अच्छी जैकेट और शूज ट्रैकिंग के। बॉनफायर हो रहा है यमुनोत्री में, गैदरिंग लगी हुई है, जो लोकल्स हैं आग सेक रहे हैं। देखो मुसाफिरों के लिए आटा गुद रहा है ढेर सारा। ये डोलियां हैं ऊपर जाने के लिए, एक डोली वाले बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं जरा। ये डोली का कितने लोग ले जाते हैं इस डोली को? 4 आदमी लेके जाते हैं। 4 आदमी कितना पैसा लेते हैं? 6,500। मतलब लगभग 1200-1200 रुपये पड़ जाता है। जी जी। एक दिन में कितने राउंड होते हैं? एक राउंड होता है। एक राउंड। हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, रोजगार है नहीं। पहले तो गवर्नमेंट रेट तो 8,500 था। हाँ, इस समय रेट ठीक ठाक था। अच्छा, अब डाउन सीजन हो गया, इस समय तो क्या करें, 6,500। 6,500 ठीक है, बढ़िया है। 6,500 में क्या होता है, पूरा दिन ही खराब हो जाने वाला हुआ। अच्छा, घोड़े वाले कितना लेते हैं? घोड़े वाला का रेट है जी 2100 रुपये घोड़े वाला गवर्नमेंट रेट। अच्छा, और वैसे लेते 1500। पर्ची कटती है क्या घोड़े की? जी जी, 100। और आपकी भी पर्ची कटती है? 500। तो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, 500 रुपये गवर्नमेंट को जाता है उसमें। तो आप लोगों के लिए कम बचता होगा? हमारे लिए 6 बचते हैं। 6,000 आपके लिए बच जाता है, चार लोगों के लिए। 4 लोग। चलो बढ़िया, चलता है काम रोज मिलता है। कभी क्या कहें, बैठना पड़ता है, कभी लगता चक्कर, कभी तो बस ऐसे ही ढीला सीधा है। ऊपर वाला सबका चलाता है यार, वो क्या करे जी, उसकी आंखें सब पे रहती है। बैठ के लिए तो करना ही पड़ेगा जी। हाँ, क्या करे, हम भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट से? अच्छा, मुझे 4-5 दिन पहले जो था वो चोट लग गई थी
जाना था यमुनोत्री लेकिन जा नहीं पाया, भगवान की मर्जी नहीं होगी शायद, हमने कुछ और अच्छा सोचा होगा इस वजह से शायद नहीं जा पाया। यहाँ चोट लग गई नीचे, ये चोट तो माइनर लग रही है लेकिन ये इससे क्या हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया है मेरा, पूरा ब्रेन हैमरेज हो गया है, अंदर क्लॉट आ गया है दिमाग में। तो 3 साल तक का दवा खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो आज मैं ना नहाया हूँ कितने दिनों से गुस्से से कि मुझे चोट लग गई करके, तो ना बाल कटाए ना दाढ़ी बनाई, और आप ड्राइनेस देख रहे होंगे, पूरी ड्राइनेस हो गई है क्योंकि 3 मुट्ठी दवा खा रहा हूँ डेली, सुबह दोपहर और रात को। तो ये वाला जो वीडियो है यमुनोत्री वाला, ये मैं जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे ही मैं ठीक होता हूँ। आप भी भगवान से प्रार्थना करिएगा और मैं भी अपनी कोशिश करूँगा, तब तक बाल कटाते हैं। इस सैलून में आए हुए हैं, अच्छा सैलून दिख रहा है, शांत है बहुत, राजपुर रोड देहरादून में ही है। इस सैलून का नाम क्या भैया? सर इस सैलून में वॉल्यूम प्रोफेशनल। हाँ वॉल्यूम प्रोफेशनल, वॉल्यूम प्रोफेशनल में आए हुए हैं, तो बाल कटाते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको बाल कैसे कटे। लेकिन इस वीडियो को मैं उस यात्रा के साथ जो है वो ज्वाइन अटैच करूँगा, जो अगली बार जब भी मैं यमुनोत्री जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं भैया आपसे ये बोल रहा था ना, ये जो चोट लगी उसके बारे में ज़्यादा उतना कंसर्न नहीं हूँ क्योंकि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन जो मुझे लेके आए हुए हैं ना जी मोहित भैया, ये इसकी लोकेशन क्या है? सर ये आपका राजपुर रोड पे है, साईं मंदिर के सामने, फ्रंट्स लाइन। ओके यार, नए आदमी के साथ डर लगता है, लेकिन आप तो नए लग ही नहीं रहे हो। हाँ जी, ऐसा लग रहे हो, लग रहा है कि आप मेरी बियर्ड बनाते ही रहते हो। मोहित भैया अब इस शेविंग के बाद जो पूरी मुलाकात होगी सीधे यमुनोत्री ट्रैकिंग में ही होगी, ठीक है।